किरदार निभा रहे हैं, ये किरदार निभा रहे हैं। यू नो मुझे लगता है कि अगर आप इंजॉय करो ना तो फिर आप थकते नहीं हो। और ज़्यादातर मैं अकेले इंटरव्यूज़ करती हूँ, पर जब साथ में जैसे आज मलिष्का और नेहा है, कल मानव थे, तो मज़ा आता है, यू नो, बिकॉज एक दूसरे से बात होती है, मस्ती होती है इंटरव्यूज़ करते करते। एंड आई रियली लर्न टू एंजॉय प्रमोशंस, नहीं तो आप मर जाओगे। आई फील द सेम वे, बट आई जस्ट फील कि यू नो, क्योंकि हम अपनी फिल्म के बारे में इतनी बात करते हैं, एंड आई थिंक इट्स जस्ट द नेचर ऑफ इट जैसा है। और हम लोग आपके ज़रिए, बिकॉज वी कांट गो टू ऑल द मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल हु एक्चुअली वी वांट टू इनवाइट, बट दिस इज़ आवर इनविटेशन, सो थ्रू यू ऑल। तो जब किसी को इनवाइट करते हैं तो बहुत ही आदर और प्यार के साथ और सम्मान के साथ इनवाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एंड देन फाइनली व्हेन द पार्टी हैपेंस वी विल सिट बैक एंड एंजॉय। ओके, बातें करते करते कई चीज़ें सामने आई ना, आई वाज यू नो हियरिंग एवरीथिंग। एंजल की क्या स्टोरी है, मैं वो जानना चाहूंगा। किसकी? एंजल। एंजल, यस, शी गेव यू समथिंग। यस, सो विद्या, आई स्टिल हैव द एंजल विद मी, मेरे वॉलेट में हमेशा रहती है। और विद्या नहीं, एंजल, बट आई विश, या विद्या और विद्याज क्रेडिट कार्ड वॉज इन माई वॉलेट, बट दैट्स नॉट ट्रू, बट शी वॉज, प्लीज साइलेंस। सो या आई इट वॉज वेरी स्वीट ऑफ आवर, उस वक्त हम एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह जानते नहीं थे, आई मीन वी मेट सोशली और वी ऑल नो अबाउट ईच अदर, but I kind of started getting close to Vidya, and then she finally came in and she called me and she said, I've got something for you, and she was like, pick one, and she gave me this beautiful white looking angel, and there was this brown looking angel. I picked up the brown one, it was gorgeous, aur unhone mujhe kaha ye rakh lo, sab theek ho jayega. Not to say things weren't okay, but she kind of like preempted, and she, and then it was one thing to another, and she's very concerned about the fact. And she takes it upon herself, and she takes it very personally that I'm single. So she's like, "Nahi ho hi nahi sakta. Like, how is it possible that you're single?" Okay, and I'm going to be itni khoobsurat ladki. Single. No. I tried matchmaking. No. But I failed. I know. And this I realized question. She doesn't need me to matchmake her. You know. Can I please answer this question? I want to tell everybody, and I'm sorry this question is for you, Vidya, but I want to tell everyone. Vidya is by far the worst matchmaker you'll see, because suddenly you'll be like, ye ladka acha laga? She's like, and before you can answer, and mostly my answer will be no, because on the outside I may look all cool and all, I'm very conservative, but I'm just like, and she's like, come here, one second, and wo aake baith jata hai. Sit na, we'll click a photo. Acha theek hai, main chai pee ke aati hu. And she'll move like 3 steps away and she'll be like, nice, huh? No, you don't. She has no skill. So, you know, like, it's okay. Like, her giving me an angel just to make me happy is fine. But then dawning upon me, and she's just like anything but an angel when she tries to match me. बहुत कोई भी चमक इन इन का मसला शी बी लाइक आपसे ही इज आल्सो सिंगल लाइक दिस इज हाउ शी मैच मेक्स बट ऐसे ही जानना चाहती थी लड़कों को दिखा के कि इनका टाइप क्या है, पर समझ में नहीं आया, जिसको दिखाती वो कहती कि कोई नहीं, हाँ कोई नहीं, क्योंकि आई रियलाइज शी हैड हर ओन सेटिंग, देखा जब खुद से कुछ नहीं होता मेरे बारे में बोलते रहो। ओके, मैं तो यू नो बस इज रियली पॉजिटिव राउंड ऑफ फिल्म, चाहे वो प्रोमो की बात हो, टीजर की बात हो, डू यू थिंक द हाफ ऑफ द बैटल इज वॉन? एक बार टीजर को लोग पसंद करने लगते हैं, नहीं टीजर और टीजर का मतलब फेस ऑफ द फिल्म, एक बार उसको पसंद करने लगते हैं लोग, तो आदि जन जीती जाते भी एग्री विद दिस और स्टिल वेटिंग फॉर द फ्राइडे। No, of course, waiting for the Friday, because actually जब लोग फिल्म देखते हैं तभी real reactions मिलते हैं, पर हाँ the first step has been received very well, which is the teaser and the trailer, even the songs, बन जा तू मेरी रानी तो जैसे it's become a rage, which is great, you know, that's what keeps us going through the promotions. जब इतना positive response मिलता है तो हमें लगता है कि you know let's try and tell more and more people that our film's releasing on the 17th of November, but of course Friday is very very final. Yeah, okay, chaliye sabse pehle congratulations aap log ki film ke liye, humne dekha ki jis tarah se Vidya ji aapka aap dusri baar RJ ban rahi, aap pehli baar bhi humne dekha tha har jagah wo popular hua tha, aur ab jis tarah se hum dekhe, aapko nahi lagta ki jitne real RJ hain un sab ka job aap ab
नहीं, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, बट यू नो मैं आरजे की एक्टिंग कर सकती हूँ, पर ये जिस तरह से बोलते हैं ना, ये बहुत बोलने से पहले ऑन द स्पॉट सोचते हैं, दे लिटरली थिंक ऑन देयर फीट, और उनके पास हर सवाल का जवाब होता है, और नहीं भी होता तो ऐसे जताते हैं कि होता है, अब के किसी तरह उलझा के आपको कंफ्यूज करके वो छोड़ देंगे, पर हाजिर जवाब है आरजेस, और यू नो दे हैव टू हैव दिस एनर्जी ऑल द टाइम, वो थके हुए हों, तबीयत खराब हो, फिर भी हमेशा उनकी एनर्जी हाई होती है. आई थिंक इट्स अ वेरी टफ जॉब. आई डोंट थिंक उनको मुझसे कोई खतरा है. That's why I'm the perfect choice for this role, you see. लेकिन I think अब हर जगह साड़ी वाली भाभी की डिमांड ज़्यादा होने वाली है. हाँ. What क्या बात कर रहे हो? वो मेरे वीडियो में नहीं देखा मुंबई. नहीं पहनी थी उसमें. नहीं पहनी थी साड़ी उसमें. मगर मैं विद्या से बहुत कुछ सीख रही हूँ. उनमें से एक साड़ी पहना वो बहुत इजीली कैरी करती हूँ. उनके पास एक अलादीन की गुफा है जिसमें बहुत सारी साड़ी बताया हूँ. हाँ तो वो वाला सीन है. मगर पिक्चर में मुझे लगता है रेडियो एक बार फिर से हीरो बन जाएगा इन अ वे. और हमारी हीरोइन तो है ही, और हीरोइन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दिस फिल्म जो आप देखेंगे, इसके जो भी इसको देख रहा है ना, वो एक तो हंसते हंसते बाहर आएगा मुझे, पर मुझे लगता है कहीं पे कोने में इन सब चीज़ों के साथ आपको ऐसी पॉजिटिविटी महसूस होगी कि ऐसी औरत एग्जिस्ट करती है, और अगर वो विद्या बालन जता रही, इट्स वेरी यू नो रिलेटेबल, तो शायद मैं भी ऐसे कर सकती हूँ, शायद मैं भी सपने देख सकती हूँ, शायद मैं भी आई एम नॉट नेसेसरली टू बी एन आरजे, बट वॉट एवर इट इज़ मे बी आई कैन डू इट. आई रियली लव दैट अबाउट दिस फिल्म. आई थिंक सुरेश त्रिवेणी जो हमारे राइटर डायरेक्टर हैं, उन्होंने जिस तरह से कहानी लिखी है, यू नो कोई भी इससे रिलेट कर पाएगा, और ये एक मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है, और ज़्यादातर भारत जो है मिडिल क्लास में ही रहता है, मतलब मिडिल क्लास ही है, तो आई थिंक इट्स वेरी, और सबकी सबके ड्रीम्स होते हैं, सबके एस्पिरेशंस होते हैं. सडनली आपको ये लगेगा कि हाँ, अगर इस तरह की औरत जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इस तरह का जॉब कर सकती है, और अपने परिस्थिति में वो खुश रह सकती है, तो शायद मैं भी कर सकती है. नेहा जी, आप बताइए, आप तो सबकी मतलब बॉस है कि ये कंटेंट चाहिए, ये चाहिए, साड़ी वाली भाभी चाहिए, सब कुछ. तो बताइए कि सबका बॉस बन के कैसा रहा आपका ये, क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट आपको फिल्मों में डिफरेंट डिफरेंट किरदार देखते हैं, लेकिन इस फिल्म में आप एक सबके बॉस है. नहीं बॉस, यही कंटेंट चाहिए, जैसा कि हम ट्रेलर में देखें. नहीं नहीं, ये तो नहीं, इतना बुरा हाल भी नहीं है मेरा कि यही चाहिए. और वो एक आइडिया सोचती है, और जब यू नो व्हाट शी इज वेरी फास्ट.